आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। छात्रोत्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट सत्र, उसमें सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया। सरकार ने कहा कि उत्तराखंड के तमाम जो सरकारी विभाग हैं उनमें 60,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं और जो बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं उत्तराखंड में उनकी संख्या लाखों में है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तमाम पद खाली हैं तो फिर युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं। इसी मुद्दे को लेकर आज देहरादून में बड़ी संख्या में जो युवा हैं बेरोजगार हैं, अलग अलग संगठनों से ये हैं, इसमें कोई डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, कोई आईआईटी वाले हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, एलटी प्रवक्ता के पदों का इंतज़ार कर रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। लंबे समय से जिन परीक्षाओं की तैयारी युवा कर रहे थे उनकी विज्ञप्तियां नहीं आ रही हैं। इस वजह से दिक्कत ये है कि उम्र बढ़ती जा रही है और जो समय पर जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। इस वजह से नाराज युवा बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ये युवा उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आज देहरादून पहुँचे हैं और उनकी मांग यही है कि सरकार समय पर अलग अलग विभागों की जो रिक्त पद चल रहे हैं उनकी भर्तियों को जारी करे, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। कांस्टेबल पुलिस भर्ती के तमाम ये जो बैनर आप देख रहे हैं इनसे बातचीत भी करेंगे इन युवाओं से। क्या नाम है आपका? किशन, किशन गुंथोला। कहाँ से हैं किशन? मैं देहरादून से हूँ। ये जो पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती थी कब से नहीं आई है, क्या मांग कर रहे हैं? सर इसमें 2022 में 18 दिसंबर 2022 को पेपर होता है, 9 फरवरी को रिजल्ट आता है, लेकिन 387 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वेटिंग का कोई उठा नहीं रहा आवाज, ना धामी सरकार कोई वेटिंग दे रही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सचिन पुरोहित। सचिन ये बताइए, सरकार कहती है 60,000 से ज्यादा पद खाली हैं उत्तराखंड के सरकारी विभागों में और लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं, तो नौकरी क्यों नहीं मिलती? सर वो पद खाली अखबारों और घोषणाओं तक सीमित हैं, वो सिर्फ अखबारों में घोषणाएं कर देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। वो चुनाव के टाइम पे उनको याद आता है कि हमें वो विज्ञप्तियाँ इतनी सारी है, उससे पहले पता नहीं कहाँ जाती वो क्या विज्ञप्तियाँ। और सर पुलिस कांस्टेबल 1550 की लगभग जो पिछली भर्ती उसके बाद तुरंत धामी जी ने बोला था कि तुरंत इसके बाद 1550 पोस्टों पर भर्ती निकाली जाएगी, तो वो भर्ती भी शायद पता नहीं कहाँ वो गायब हो चुकी है, अभी काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद। और उसमें हमारी मांग ये है कि उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष की जाए, क्योंकि काफ़ी हमारे जो साथी हैं जिन जिनको 2014 के बाद भर्ती का मौका नहीं मिला है तो उनको भी भर्ती का मौका मिल जाएगा सर। तो धामी सरकार से हम ये कि जल्दी से जल्दी उम्र सीमा बढ़ाई जाए और 1550 पर उस पर वैकेंसी जल्द से जल्दी निकाली जाए। आपका क्या नाम है? देखिए मेरा नाम नोनियाल सिंह है। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दीदी भुली कार्यक्रम कर रहे हैं, दीदी भुली तो सब यहाँ पे हैं, क्योंकि असली दीदी भुली तो ये है, वो तो सब जो है किसी के बच्चे हो चुके, कोई पारिवारिक हो तो दीदी भुली रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को केवल चुनाव की चिंता रहती है, यहाँ के युवाओं की कोई चिंता नहीं रहती। आप देख सकते हैं ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक कितने पद खाली है, हर विभागों में कम से कम 100 से अधिक पद खाली है, लेकिन जो है चुनाव जो है कराने में वो पूरी तरह तैयार रहते हैं, भर्तियों कराने के लिए तैयार नहीं रहते। तो न कहीं उनकी मंशा है कि युवाओं को बरगलाया जाए, उनको भटकाया जाए, उनको रोजगार न दिया जाए, ये केवल हमारे नारे झंडे ढोलने के लिए रहे हैं, बाकी उच्च पदों पर न बैठे। जबकि आज उत्तराखंड के यालों में बाहर के लोग उच्च पदों पर बैठे हैं, उन्हें उत्तराखंड के न विकास की चिंता है, न यहाँ की अस्मिता की चिंता है, न यहाँ के युवाओं की चिंता है। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड आज जो है परेशान है, चारों तरफ त्राहिमाम है। युवा जो है बेचारा दूर दराज से आ रहा है, मेहनत कर रहा है, 4x6 के कमरे में रहकर जो अपना जीवन यापन कर, और बड़ा कष्टकारी है। आपका क्या नाम? मेरा नाम बचेंद्र बिस्टे। सर ये बताओ, धामी जी कह रहे हैं कि पद खाली हैं, अगले 6 साल में लाखों की संख्या में हम रोजगार देंगे, कब तक इंतजार कर सकते हैं आप? सर इंतजार की सीमा तो खत्म हो चुकी है, और जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज भी हमारे सरकारी स्कूलों में
विभिन्न पद खाली हैं, विभिन्न सब्जेक्टों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जितने भी पद सरकारी विभाग में खाली हैं, सरकार उनको जल्द से जल्द भरने का काम करें। आपको पता होगा कि उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में आज भी 3 से 4 हज़ार के बीच में पद खाली हैं, जिससे कि हमारे वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं उन्होंने मझधार पर रखा हुआ है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले जितने भी पद सरकारी स्कूलों में खाली हैं उनको भरने का काम करे, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो LT में हो, चाहे लेक्चरर में हो। LT का जो इन्होंने UK SSC ने कैलेंडर जारी करा था, जिसमें कि उसकी प्रस्तावित परीक्षा 10 मार्च को थी, लेकिन आज जो है 2 मार्च हो गया, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब आप बताओ कि क्या 10 मार्च को UK SSC पेपर करवा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं करवा पाएगी। इसी प्रकार से सिर्फ हमें जुमला दिया जा रहा है, और आज ये बेरोजगारी सड़कों पर इसीलिए है क्योंकि सरकार हमारी बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी नेता हो, हमको मिलने का समय तक नहीं दिया जाता है। तो सरकार जिस प्रकार से, जिस शिथिलता से काम कर रही है, इसका परिणाम है कि आज जितने छात्र जो है सड़कों पर खड़े हो रखे हैं। देखिए, ये रोष है, ये तमाम युवा हैं जो पूरे प्रदेश से देहरादून आज पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में हैं। मुख्यमंत्री आवास कूच का इनका पूरा कार्यक्रम है। बेरोजगार संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उनकी ये कॉल है आज की, और अलग अलग जगहों से ये युवा यहाँ आए हैं, देहरादून आते हैं और यहाँ तैयारियाँ करते हैं, लेकिन समय पर नौकरी नहीं मिल पाती। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम गुरुदेव सिंह राणा है। राणा जी, ये बताइए, उम्र निकलती जा रही होती है एक तरफ, और तमाम कोर्स करके युवा घर में बैठा है, सरकार के पास नौकरी है, नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, पद खाली पड़े हैं, क्या कहेंगे आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं? सर, हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा है, आपको पता भी है, कला। 2020 से है 250 पोस्टें हैं, ना तो शिक्षा मंत्री जी संज्ञान लेना चाहते, ना मुख्यमंत्री जी। कोर्ट का आदेश था कि 4 हफ्ते के अंदर इस पे कार्रवाई की जाए, परंतु दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। 15 अप्रैल को आदेश आया था, 8 महीने से ऊपर का समय हो गया है, ना तो हमारा विज्ञापन आया है, ना हमारा रिजल्ट खुल पाया है। 7 वालों को नियुक्ति किए हुए 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है, और हमने पहले भी रैली निकाली थी, आज भी इसी उद्देश्य से कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा फिर आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, हमारी यही मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाए। हम लोगों का जो बैच है सर, वो 2019-20 का है। हम कोरोना की वजह से वैसे भी 5 साल लेट हो चुके हैं, 2 साल का हमने बहुत ही कठिन प्रशिक्षण दिया है, और हमने डाइटो में अपना 100% दिया है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और एक तरफ जहाँ सरकार ये बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन यहाँ हमें पढ़ने के बाद भी ऐसे ही सड़कों पे छोड़ा जा रहा है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जितना हमने कठिन परिश्रम किया है उसके अकॉर्डिंग हमें जल्द से जल्द नियुक्ति की दी जाए। धन्यवाद। अभी एक आंकड़ा सरकार ने जारी किया, उसमें सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो शिक्षा विभाग में खाली हैं। तो आप लोग सड़कों पर हैं, वहाँ पद भी मौजूद हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं सरकार भर्ती करवाती? सर, हमें बार बार, हम जब भी सरकार से मिलने जा रहे हैं, हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, और हमारी जो नियमावली है उसमें भी कोई इतना काम वो नहीं हो रहा है। हमें बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि नियमावली पे काम हो रहा है। स्कूलों में इतने पद खाली होने के बावजूद भी ये सरकार की कमी है कि नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि नौनिहालों के भविष्य का भी सवाल है, हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति दे। हमें बहुत ही, हमने पूरा अपना जो 100% दिया है, हम वही स्कूलों में भी पूरा अपना 100% देंगे। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, बस हमारी यही आशा है। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम गंगोत्री है। गंगोत्री जी, ये बताइए, BJP सरकार यहाँ पर है, केंद्र में भी भाजपा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा दिया गया है, महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं भी लाने का दावा किया जा रहा है, एक महिला होने के नाते आपको इतना आसान है सड़कों पर आंदोलन करना, वो भी नौकरी के लिए? सही बात है सर, मैं पिथौरागढ़ ब्लॉक से आई हूँ और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। ये विडम्बना है हमारी सरकार की, जो बात करती है लड़कियों को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की बात करती है, और उनको ट्रेनिंग करा के सड़कों में छोड़ देती है। क्या यही करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं? क्या हमारे घर की कोई मजबूरी नहीं होगी जो हम लोगों को सड़कों में बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता है? ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो हमें पढ़ा लिखा कर बोलती है कि आप लोग जाओ ट्रेनिंग करके आओ, और उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद जब हम अपना हक मांगने आते हैं तो हमसे कहते हैं कि आप लोग किस हक से अपना हक मांग रहे हैं, जब हमने ट्रेनिंग किया है तभी तो हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जो हमें ट्रेनिंग कराने के बाद रास्ते में छोड़ देती है। चुनाव है आने वाले समय में, आप भावुक भी हो रही हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा को,
एक वक्त ऐसा होता है जब वोट से ये कहते हैं कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, क्या सोच रहा है उत्तराखंड का युवा? सर, उत्तराखंड का युवा यही सोच रहा है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर का घमंड हो चुका है, और मैं कह रही हूँ कि पावर का घमंड इनको कब तक रहेगा? और अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इनका क्या रहेगा? वोट देने वाले हम हैं, इनको वहाँ तक पहुँचाने वाले हम हैं, और उसके बाद ये हमारी विनती नहीं सुनते तो ये क्यों बैठे हैं ऊपर अधिकारी? ये जो सरकार क्यों बैठी है जब हमारी सुन नहीं सकती, हमारे लिए काम नहीं कर सकती है? तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये लोग जब हमारा काम नहीं कर सकते हैं, बेटियों को पढ़ाओ बचाओ, सारे काम सारी योजनाएं इनके सिर्फ पेपर तक है, और अगर आप धरातल में आके देखोगे तो कुछ काम नहीं होता इनका। एक बात तो स्पष्ट है, ये कहा जाता है कि जिस प्रदेश में जिस देश में युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नहीं आता वो कैसा लोकतंत्र? युवाओं को अपनी बात के लिए अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर आना चाहिए, समय समय पर युवा आते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस युवा वर्ग को जो कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के मामले में एक बड़ा वर्ग है, क्या उसे साधने की वर्तमान सरकार कोशिश करेगी? अगर करेगी तो सीएम जिस तरह से कह रहे हैं कि आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजन करेगी सरकार, वो कब तक होगा? कहीं आते आते देर न हो जाए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।